मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कुछ समय से विवादों में है। इस बीच खबरें हैं कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने कुछ समय के लिए शो से ब्रेक लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप जोशी ने हमेशा शो की शूटिंग को पहले तवज्जो दी है, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम छुट्टियां भी ली है, लेकिन अब वो कुछ समय के लिए शो से गायब रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी काम से ब्रेक मिलने के बाद परिवार के साथ तंजानिया गए हैं। वो धार्मिक ट्रिप पर हैं और वहाँ स्वामीनारायण मंदिर में होने वाले फंक्शन में हिस्सा लेंगे। दिलीप जोशी आबू धाबी भी जाएंगे। दिलीप जोशी 2008 से शो से जुड़े हुए हैं, जब ये शो शुरू हुआ था। 15 साल बाद भी जेठालाल के रोल में उनकी पॉपुलैरिटी पहले जितनी ही है। इतने सालों में कई एक्टर्स ने शो को अलविदा कह दिया। इनमें से एक दिशा वकानी भी है, जो कि दयाबेन के रोल में नजर आती थी। 2017 में मैटरनिटी ब्रेक के बाद दिशा शो में वापस नहीं लौटी। उनके अलावा शैलेश लोडा, जेनिफर बेनीवाल मिस्त्री, राज अनकट जैसे एक्टर्स भी पिछले एक साल के अंदर शो छोड़ चुके हैं। पिछले दिनों तारक मेहता का किरदार निभा चुके शैलेश लोडा ने भी प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई आरोप लगाए थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।